हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एटिक्स। आज के इस वीडियो में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले, जो कि ये बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर के तीनों ईयर के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वोकेशनल सब्जेक्ट होता है। तो ये आपके तीनों कैटेगरी के लिए होता है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये बीए बीकॉम बीएससी तीनों के लिए अलग अलग पेपर नहीं होता, वोकेशनल सब्जेक्ट का एक ही होता है, ठीक है, अलग नहीं होता है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पर शेयर कर सके, पूछ सकते हो, और इसका पीडीएफ लिंक आपको कहाँ से प्रोवाइड होगी इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और एक एक क्वेश्चन को आप नोट करते हुए चलिएगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका भी एग्जाम लगा है वो इस वीडियो से कंप्लीट करे, पूरी प्रिपरेशन आपको कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, कुछ वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। जिसे फुल मार्क्स करना है वो वीडियो ज़रूर देखें। तो जैसे कि हमारा वेरी शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं, जिसमें आपको टू क्वेश्चंस करने हैं, इसमें टू मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स आपको फोर नंबर मिलने वाला है, ओके। तो इसमें हमको हम तीन क्वेश्चन दिए, ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया, जिससे दो दो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसमें से दो क्वेश्चन करना है। तो जैसे कि आप इसमें अगर वेरी शॉर्ट दिया तो 50 वर्ड्स आप लिख सकते हो, ठीक है। वेरी शॉर्ट में आप कम से कम 50 वर्ड्स लिखो, एंड 50 टू 60 वर्ड्स, मैक्सिमम 60 वर्ड्स लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। मेन पॉइंट को एक्सप्लेन करिए बस, ठीक है। तो जैसे कि इसमें पहले आपका क्वेश्चन दिया है कि व्यक्तित्व की परिभाषा लिखे, डिफाइन पर्सनालिटी क्या होता है इसके बारे में बताना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्सनालिटी के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हुई चलती हूँ कि आपको कितना क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। तो व्यक्तित्व को किसी व्यक्ति के महसूस करने, सोचने और व्यवहार करने के अनूठे तरीके के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यक्तित्व जैविक और पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रिया और तालमेल के परिणाम है, ठीक है। तो मतलब व्यक्तित्व क्या, पर्सनालिटी हमारा क्या शो करता है, हमारे चलने फिरने, हमारे बोलचाल, नॉर्मल बोलचाल की भाषा भी हमारा व्यक्तित्व, हमारा पर्सनालिटी को डिफाइन करता है ना। हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा क्या थिंकिंग है, वो सब हमारा क्या है, व्यक्तित्व ही, हमारा पर्सनालिटी ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे दिया है कि साक्षात्कार समझाइए, एक्सप्लेन द इंटरव्यू क्या होता है। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंटरव्यू के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ठीक है, आप मैक्सिमम और मेन पॉइंट ही एक्सप्लेन किया करो, जब भी आंसर लिखा करो। जैसे इंटरव्यू के बारे में है तो इंटरव्यू से रिलेटेड ही पॉइंट को लिखा करो, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस मेन पॉइंट एक्सप्लेन करिए, बट दैट्स इट, ठीक है। तो आता है हमारा साक्षात्कार। एक प्रश्नोत्तर सत्र है जिसमें एक व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है और दूसरा व्यक्ति उन प्रश्नों का उत्तर देता है। ये आमने सामने दो तरफा बातचीत हो सकती है, या इसमें एक से अधिक साक्षात्कार और एक से अधिक प्रतिभागी हो सकते हैं, ठीक है। साक्षात्कार संपूर्ण चयन पूर्वाग्रह प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब क्या है, जब किसी जॉब हम के लिए हम लोग जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए पहले हमें इंटरव्यू देना पड़ता है ना, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। देखिए पहले क्या है कि हम पहले एग्जाम्स देते हैं, उसमें हम क्लियर हो जाते हैं, लास्ट हमारा इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू क्या है, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, जो कि हम इंटरव्यू साक्षात्कार के रूप में हम उसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आई होप आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पा रही होंगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे दिए कि तनाव को परिचय दीजिए, तनाव का परिचय देना है आपको, एक्सप्लेन द इंट्रोड्यूस स्ट्रेस के बारे में बताएं। निजी जीवन में स्ट्रेस का आप लोग का बहुत ही महत्व है, क्योंकि आज के युवा में स्ट्रेस का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सबको ही सक्सेस की सीढ़ियों पे जाना है, तो सबको थोड़ा बहुत स्ट्रेस सबको होता है ना, किसी को फैमिली को है, किसी को जॉब को है, तो सबको तनाव नॉर्मली रहता ही है। तो एक देते हैं इसके बारे में आपको परिभाषा कैसे लिखनी है। तो आप ऐसे लिखोगे, कैसे कि एक द्वंद्व है जो मन और एवं भावनाओं से गहरी दरार पैदा करता है। तनाव अनेक मनोविकारों को प्रवेश द्वार है, उसमें मन अशांत, भावना अस्थिर, शरीर अस्वस्थता का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और हमारी शारीरिक और मानसिक विकास यात्रा में व्यवधान आता है, मतलब कि उसमें आपका रुकावटें आती हैं, ठीक है। अगर हम तनाव रहेंगे तो तनाव से क्या, हमारे कार्यों पे पूरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम उन कार्यों पे फोकस नहीं कर सकते ना। जिन कार्यों पे हम फोकस नहीं कर सकते वो कार्य हमारा कैसे अच्छा होगा। तो तनाव मुक्त रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, ताकि जिससे हमारा काम अच्छे से चल सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, आपका नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर्स में, जिसमें आपको पूरे 6 क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपको पूरे 6 क्वेश्चन करने हैं, लगभग आपको पूरे 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल 30 मार्क्स आपको कैसे स्कोर करना है इसके बारे में आइए जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे दिया है कि भारत में संचार का महत्व स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वर्तमान में समय में संचार माध्यम और समाज में गहरा संबंध एवं निकटता है। इसके द्वारा जन सामान्य की रुचि एवं हितों को स्पष्ट किया जाता है,
ठीक है। संचार माध्यमों ने ही सूचना को सुलभ कराया है, तकनीकी विकास के संचार माध्यम भी विकसित हुए हैं तथा इससे संचार व ग्लोबल फोनोमोन बनाया गया है। ठीक है, तो क्या है संचार? हमारा क्या होता है? बातचीत करने का ही तरीका ही हमारा संचार कहलाता है ना। एंड उसे अच्छे तरीके से मतलब एक्सप्लेन करना, उसमें गहरा निकटता लाना और उसके द्वारा मतलब सामान्य रुचि और हितों को स्पष्ट रूप से बताना, वो हमारा क्या है? एक संचार का ही प्रकार है, मतलब एक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग बताना है। ठीक है, तो एक्सप्लेन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के बारे में बताना है। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ICT क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। तो जैसे कि आप अगर शॉर्ट आंसर्स लिख रहे हो तो कम से कम 2 पेजेस के लिखो अच्छे से। आप अगर इंग्लिश मीडियम में हो तो 1.5 लिख सकते हो, अगर हिंदी मीडियम में हो तो कम से कम 2 पेज अच्छे से लिखो। ठीक है, जिससे आपके हेडिंग वाइज भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि वेरी शॉर्ट में आप कम से कम हाफ पेज और एंड आप 1 से हाफ एंड पेज भी लिख सकते हो। अगर आपने इफेक्टिवली हेडिंग वाइज लिखा है तो 1.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो भारत की भाषाओं, परंपराओं और मान्यताओं के समृद्ध विरासत को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने की यह शक्ति एकता का स्रोत बन सकती है। अंतर संस्कृति संवाद और आदान प्रदान को बढ़ावा देकर संचार में न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की क्षमता है, बल्कि वैश्विक मंच पर इसकी ताकत को बढ़ाने की भी क्षमता होती है। ठीक है, ICT या सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्या है? देखिए आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं। वह बुनियादी ढांचा और घटक है जो आधुनिक कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। ठीक है, ICT प्रौद्योगिकी के उपकरणों एवं प्रणालियों के लक्ष्यों से यह एक मनुष्य जिस तरह से डेटा और सूचना बनाते हैं उसी प्रकार संसाधित करने एवं एक दूसरे से साझा करने उसमें सुधार करना ही हमारा संचार को एक ICT का एक रूप होता है। ठीक है, आपका जैसा कि उसमें 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, हम नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि तनाव के कारण की विवेचना कीजिए, दिस इज द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। तो आइए देखते हैं कि तनाव के कारण क्या क्या है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तनाव के बारे में आपको पढ़ना है, इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप टिक कर लो। ठीक है, तो पहला इसमें आता है कि बहुत ही तनाव में रहना, बहुत ज़्यादा तनाव में रहने से क्या है, हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बड़े बदलाव का सामना करना। अगर हमारी लाइफ में कुछ बिग रूप्स मतलब बिग बोलते हैं ना इस थॉट बिग डील की इतने बड़े चेंजेस हो गए, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी होता है ना हमारी लाइफ में अगर कोई चीज़ें बदल जाती हैं तो वो भी हमारे तनाव का ही एक हिस्सा होता है। जैसे कि हम हमारी चीज़ें हमारी जो अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है तो वो भी तो हमें एक स्ट्रेस के रूप में होता है कि ना, होता है ना, लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं चल रही है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है ना, मैं उस तरह से नहीं रह सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, है ना, ऐसा होता है ना। नेक्स्ट आता है कि किसी बात की चिंता। अक्सर लोगों को किसी न किसी बात की चिंता तो होती ही है ना, कोई कोई बात ऐसा हो जाता है जो चिंता का रूप धारण कर लेती है और वो चिंता से क्या है, चिंता से मतलब वो शरीर घटता है ना, चिंता नहीं करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आते हैं किसी स्थिति के परिणाम पर बहुत अधिक या कम प्रभाव ना होना। ठीक है, तो किसी स्थिति का परिणाम बहुत ही अधिक या कम प्रभाव नहीं, मतलब कोई भी जो स्थिति होती है वो स्ट्रेस के रूप में अगर कोई स्थिति हमारी हो जाती है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा एफर्ट पड़ता है और कभी कम पड़ता है, जैसे जिसकी बॉडी कम कंज्यूमिंग है तो उसके हिसाब से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिप्रेशन। तो इज द वेरी मतलब आज के ज़माने में डिप्रेशन इज़ द वेरी कॉमन वर्ड कि मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है कि क्या है क्या नहीं है, बट डिप्रेशन इज़ वेरी लोग मतलब डिप्रेशन को एक ऐसा रूप दे दिया है कि मतलब मुझे तो डिप्रेशन है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेस्ड हूँ इन सारी बातों से, इन सारी चीज़ों से। जैसे ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारी एक प्रकार की मेंटालिटी होती है। हम चाहे तो अपने आप को खुश रखें और चाहे तो अपने आप को दुखी रखें, वे हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ना कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट पर। आप अच्छे रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, आप खुश रहोगे तो बाकी सारी चीज़ें आपको अच्छी दिखेंगी। डिप्रेशन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, है ना। ऐसा कार्य प्राप्त करना, नेक्स्ट आता है आप ऐसा कार्य प्राप्त करना जो आपको भारी लगते हैं, मतलब ऐसा काम आप कोई ऐसी काम कर रहे हो जो आपको भारी लग रहा हो कि ये तो मेरे से नहीं हो रहा, मैं कोई मतलब होता है ना उसमें भी आपको स्ट्रेस आने लगते हैं। नेक्स्ट आता है कि अपने जीवन में पर्याप्त काम और कार्यक्रम का परिवर्तन न मिलना। होता है ना कि अगर आपके जीवन में कोई कार्य है वो आपको पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहा है, उसका फल आपको पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहा है। जैसे हम कोई जॉब कर रहे होते हैं तो अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो क्या अगर हमको मतलब जितनी काम हम कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर हमें सैलरी नहीं मिल रही होती है तो क्या हमें अपने संतुष्टि होगी? हमें भी उस प्रकार से टेंशन होगी ना कि मैं इतना काम तो कर रही हूँ, मुझे तो इतनी सैलरी मिल नहीं रही है, तो मेरे काम करने का कोई वैल्यू ही नहीं है।
उसके हिसाब से हमें इसका भी टेंशन हो जाता है ना। नेक्स्ट आता है कि अनिश्चितता, समय। समय सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस का, मतलब आप स्ट्रेस के रूप में मतलब समय को भी अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो उससे भी तनाव बढ़ता है। ठीक है, आई होप आपको तनाव के कारण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि समर्थता को प्रभावित बनाने वाले तरीकों के बताना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं हमारा प्रभावी सुनने की परिभाषा यह है कि जब कोई व्यक्ति वक्ता की बात ध्यान से सुन सकता है, वक्ता जो कह रहा हो उसे समझ सकता है और उचित तरीके से जवाब दे सकता है। किसी व्यक्ति की बात सुनना ही काफ़ी नहीं होती है, व्यक्ति के शब्दों को अर्थ समझना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और उसके अनुसार जवाब देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, शारीरिक भाषा के प्ररूप बताना है, वो एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज खुली और तनाव मुक्त मुद्रा भी नहीं, बिना हाथ पैर के एक दूसरे पर रखे खुली मुद्रा में खड़े होना या बैठना सुगमता और संवाद के लिए खुलेपन का संकेत होता है। ठीक है, मुस्कुराना सर हिलाना सत्कर्ता है, सहमति और मित्रता दर्शाता है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज हमारा क्या, मतलब हम अपने जो भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, दुखी होते हैं, तो वो हमारा बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लेखन कुशलता के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं आपको बताना है। व्हाट आर द राइटिंग स्किल्स, क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। राइटिंग स्किल्स के बारे में कि लेखन प्रक्रिया को 5 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। जैसा कि हमारा पहला आता है पूर्व लेखन, प्रारूपण, संशोधन, संपादन और प्रकाशन। इसमें से प्रत्येक चरण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप एक ऐसा लेखन तैयार कर सकते हैं जो अच्छी तरीके से सोच समझ सकता है, जिसे आप लक्षित दर्शकों को द्वारा अच्छे से स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारा दिया है 10 में कि व्यक्तित्व की स्व अवधारणा की विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आपको ईमेल है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैं आपको और कराने वाली हूँ। नेक्स्ट आपको 3 क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से करने नहीं आएगा, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, और आप लोग शेयर किया करोगे, कोई डाउट रहा करो तो शेयर कर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट आपको 12 में है कि समूह चर्चा को समझाना है, समूह चर्चा के बारे में पढ़ लेना। एंड मॉक इंटरव्यू क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में कंप्लीट करिए, काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैं आपको और बताने वाली हूँ, उसके बारे में देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं लॉन्ग पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दिया था ना कि व्यक्तित्व की अवधारणा के लक्षणों का सिद्धांत है, तो देखते हैं क्या क्या है। लोगों का व्यक्तित्व व्यापक गुणों या स्वभावों के समूह पर आधारित होता है। यह पता लगाने के प्रयास में कौन सी विशेषताएं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल बनाती है और कितने प्रकार के व्यक्तित्व लक्षण हैं, कई परिकल्पनाएं हैं जो शोध परियोजना के शुरू की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ईमेल क्या होता है। ठीक है, यह 18 दिसंबर 2023 को देखा गया स्थित अवतरण। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से भेजे से पत्र भेजने का एक तरीका है। एक ईमेल को भेजने के लिए ईमेल के पते आवश्यकता होती है जो यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बनना होता है। ठीक है, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश कुछ ही सेकंड में विश्व के किसी भी कोने स्थल में सर्वर तक पहुंच जाता है, जिसे सर्वर द्वारा प्राप्तकर्ता के खाते में भेज दिया जाता है। ईमेल प्रयोक्ता द्वारा एक मानव प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जिसे जिसके माध्यम से संदेशों का दूसरा प्रयोक्ता एक पहुंचाया जाता है। ठीक है, जहां तक कि आपके शॉर्ट में एक और क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तुति एवं श्रय और दृश्य माध्यम का उपयोग बताना है आपको। ठीक है, फिर इन द यूज ऑडियो एंड विजुअल इन प्रेजेंटेशन के बारे में बताना है, क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग में, हमारा लॉन्ग में 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपको 17 मार्क्स मिलेंगे, टोटल आपको 34 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो लॉन्ग में आप एटलीस्ट 3 पेज कंप्लीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 16 में है कि प्रभावी साक्षात्कार के मार्गदर्शक तत्वों का वर्णन करना है। इफेक्टिव इंटरव्यू क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट आपको एक प्रभावी श्रोता के अवधारणा का कौन कौन से उसके बारे में। नेक्स्ट आता है कि 18 ने पूछा है शॉर्ट विश्लेषण से आप क्या समझते हैं एंड इसके वीडियो महत्व को समझाना है। मैं आपको शॉर्ट के बारे में अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि समय एवं संसाधन के रूप में बताइए, बेहतर समय प्रबंधन के लिए तकनीक की विवेचना करना है। ठीक है, तो देखते हैं साक्षात्कार है। तो साक्षात्कार गाइड का उपयोग करने के लाभों में शामिल होता है, यह एक संचरित प्रक्रिया बनाता है। ठीक है, दूसरा यह सभी आवेदकों को एक ही उम्मीदवार अनुभव प्रदान करता है और तीसरा है कि यह प्रत्येक उम्मीदवार को एक ही तरीके से मूल्यांकन करने आसान बनाना, जिसे साक्षात्कार प्रक्रिया में पूर्वाग्रह का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा है कि एक अवरोध वह शब्द है जिसका उपयोग स्रोत एवं प्राप्तकर्ता के बीच संप्रेषण में किसी भी हस्तक्षेप को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सफलतापूर्वक संप्रेषण जिसमें संदेश को काट विपुरण के अवगत कराया जाता है, हालांकि यह हमेशा संभव नहीं होता क्योंकि कई अवरोध संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा पूछा है कि स्वॉट विश्लेषण क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो एक मूल्यवान नियोजन ढांचा है जिसका उपयोग संगठन के भीतर कोई भी टीम किसी नई परियोजना के साथ आगे बढ़ने की व्यवहार्यता का तुरंत अंदाजा लगाने की कर सकती है। स्वॉट मैट्रिक्स बनाना आसान है, मैट्रिक्स को पूरा करने से विचार मंथन और विचारों का उपयोग हो सकता है और पूरी प्रक्रिया त्वरित और सरल होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने पूरा स्वॉट विश्लेषण के बारे में बता दिया है, आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है ना। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, और चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी एंड आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से ज्वाइन होइए एंड PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और जो वीडियोज़ मैं दे रही हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है।